दोस्तों आजकल दुनिया में दो चीज़ कॉमन चल रही हैं। सबसे पहला तो कोरोना वायरस और दूसरा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। जैसा कि केजरीवाल जी ने बोला था, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। दवा का इंतजाम तो पहले से था ही, लेकिन जब से दारू का इंतजाम हुआ है, जब से दारू का इंतजाम हुआ है तब से लोग अलग ही बावले हो रहे हैं। जोगिनी कैसे पंप जलाऊं, जोगिनी कैसे पंप जलाऊं, हवा रुके ना तेरे पाई। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, जब से नहीं मिली ना तब से तो भाई बॉडी में करंट ही नहीं है। अब आज पीते ही भाई साहब ऐसी फुरफुरी सी मारी है बॉडी में, पूरी बॉडी में करंट आ गया है। सही बताऊं तो अब मैं मतलब शक्तिमान बन गया हूँ। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाई साहब बुरा मत मानना, वैसे आपकी शक्ल तो एक टिकटॉकर से मिल रही है। मुझे पहले भी कई दफा लोगों ने कहा, अब मैं खुश होता हूँ। अच्छा, इस बात से मैं खुश होता हूँ। तो आओ यार टिकटॉक की धोती फाड़ के अब रूमाल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो भाई यूट्यूब पे एल्विश भाई की टिकटॉक रोस्टिंग की वीडियो के बाद सबसे पहले तो बावली हुई थी एक आंटी, उसके बाद बावला हुआ एक अंकल, और उसके बाद सबसे ज्यादा बावला हुआ एक बुरी थूत का प्राणी। तुम लोग यूट्यूबर नहीं हो, तुम लोग एक सस्ते रोस्टर हो, ठीक है। तो यार अब ये कह रहा है तुम लोग यूट्यूबर्स नहीं हो, तुम लोग तो सस्ते रोस्टर हो। वेट अ मिनट। तो पहली बात तो सस्ता शब्द बोलना इसे शोभा ही नहीं देता, क्योंकि सस्ते से सिर्फ एक ही चीज याद आती है, सस्ते नशे। सस्ते नशे। तो यार इसके दूध देख के ही लगता है कि ये दिन में 6-6 बार तो सस्ते नशे करता है। तो तुम लोग अब जाओगे अपने फैन पेज को मैसेजेस करोगे एंड बोलोगे दैट भाई जरूर कमेंट करना, अच्छी अच्छी कमेंट करना इनकी वीडियोस इनकी पोस्ट पर। तो वही काम है तुम्हारा, किसी से मिन्नतें करना। वेट अ मिनट प्लीज, कमेंट जरूर करके बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी थी बुरी थी दोनों बताना, अच्छी थी तो भी बताना यार। वही काम है तुम्हारा, किसी से मिन्नतें करना प्लीज, ठीक है। हमारा काम नहीं है, हमारा काम दिखता है तो लोग कमेंट करते हैं। चुप चुप बिल्कुल चुप। तो ये है इनका काम। तो यार इसकी वीडियो देखने के बाद तो मुझे इस गाने से ही नफरत हो गई है। चुप चुप बिल्कुल चुप। ये कोई गाना है यार? गाना तो ये होता है। तो आओ यार अब हम देखते हैं इनका दूसरा काम। तो यार इस वीडियो में गाना चेंज था तो मुझे लगा ये इस वीडियो में कुछ नया करेगा, पर नहीं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुत्ते सुअर से शादी करने लग जाए, लेकिन ये इंसान, अरे ये नहीं, इसकी शक्ल तो तब भी ठीक है उससे, लेकिन ये इंसान अपनी ये बुरी थूत बनाना जिंदगी भर में नहीं छोड़ेगा। तो क्यों ना यार हम इसकी वीडियो का एक बार गाना बदल के देखें। अपने ससुरे के आगे बावड़ कैसे चलेगी, मैं तो गज का घूंघट काट मटक चलूंगी। एंड जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये लोग ऐसे है वैसे है, तो भाई आ जाओ और लगा लो जोर। भाई अभी तो किसी ने जोर ही नहीं लगाया, तब भी तुम्हारे कपड़े उतर गए, जब सारे जोर लगा देंगे तब सोच लो क्या क्या उतर जाएगा। बात रही यूट्यूबर्स की, तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कतई ही नहीं आते हो यार, ठीक है, थूक भी नहीं निकल रहे। तो यार थूक ना निकलने के तो सिर्फ दो ही रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर ये अपने घर में थूकेगा तो इसकी कुछ ऐसी हालत होगी। नहीं, 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 नहीं,
तो यार दूसरा रीजन तो ये है कि ये जो नशेड़ियों वाली शक्ल बनाता है ना, ऐसी थूत बनाता है ये। तो यार ऐसी थूत बना के अगर ये थूकेगा तो सारा का सारा थूक इसके मुंह पे ही आएगा। आपने दो तीन चीजें बोले, क्लियर करता हूँ वीडियो में, मैं टेंशन मत लो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो यार एक बालक ने जोकर जैसी बुरी थूत बनाने की कोशिश की, तो यार उस बालक के साथ क्या हुआ देखो। मैं इंडिया छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मेरे को जमा नहीं। जब हाँ वेस्ट मनी इन इंडिया, जब मैं बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ और पढ़ाई भी करके आ सकता हूँ। ओ भाई कॉकरोच सी शकल के, बाहर पढ़ने वाले ऐसी हरकत है नहीं करते। जब मैं बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अबे ये एक्सप्लोर किया है इसने, बेटी और कुछ नहीं मिला काटने के लिए। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट। अरे भाईजान का कंटेंट तो देखो जरा, 5 सेकंड मोबाइल को घूर के तमाकू रगड़ना कंटेंट, अपनी टांट पे अंडा फोड़ना कंटेंट, लड़की को ताड़ना, अंगूठा दिखाना और फिर चुटकी बजाना कंटेंट, दूसरे को गाते सुनना और फिर गर्दन हिलाना कंटेंट, आदमी को देख के चुम्मी देना कंटेंट। मतलब जीप तो ऐसी निकाल लिया, मतलब कतई नाग हो रहा है नाग। सुबह सुबह मेरा दूसरों से गाली सुन के हंसना कंटेंट। लेकिन यार सच बताऊं, ये ही लगा बस मुझे कंटेंट, दोस्तों के साथ थोड़ी बकलोली करी और उसमें भी दोस्तों ने इसे नीचे गिरा दिया कंटेंट, डांस ना आते हुए भी पीछे हवा में हाथ लहरा दिए और इसे बोल दिया कंटेंट, बुरी सी थूत बना के उंगली हिलाना कंटेंट, वीडियो कॉल पे बकलोली करी और उसे बोल दिया कंटेंट। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। भाई इस वीडियो में एक चीज नोटिस की, बड़ी गर्मी हो पापा, ये भाई साहब नोटिस किए, अबे रुक जा बाल की दुकान, फोन में घुस के ही मानेगा क्या। 2012 में मैं इंडिया छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मेरे को जमा नहीं। जब हाँ वेस्ट मनी इन इंडिया, तो बाहर से ये कुछ ये पढ़ के आए हैं। एक माँ ने आपको पेट के अंदर 6-9 महीने रखा एंड वो बहुत बड़ा ये होता है। अबे पेट्रोल सूंघ सूंघ के ज्यादा बावला हो गया है क्या, करते क्या हो। हम लोग अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को बताते हैं कि रियल लाइफ में तुमको रहना कैसे है, क्या करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू रोएगा, किसी को हर्ट नहीं करना है, छोड़ा था तू रोए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। वाओ, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। अरे ये तो नकली एड है, ए चिंटू असली एड तो दिखा था निक। बाथरूम, वाओ, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। एक माँ ने आपको पेट के अंदर 6-9 महीने रखा एंड वो बहुत बड़ा ये होता है। अच्छा बेटा वो बहुत बड़ा ये होता है, तो सुन तू भी बहुत बड़ा ये है, तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरना है। तो यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं।